थाने का घेराव किया है। हत्या कर रेलवे लाइन पर शव फेंकने का आरोप है। आरोपियों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। करीब दो घंटे बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया और तस्वीरें भी साझा कर रही हैं। पुलिस प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। करीब दो घंटे बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। होटल में युवक की मौत के बाद परिजनों का यह प्रदर्शन। तो शव रखकर थाने का घेराव किया है। परिजनों की कितनी बुरी हालत है वो इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और हत्या कर रेलवे लाइन पर शव फेंकने का आरोप है। आरोपियों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। तो रो रो कर बुरा हाल है परिजनों का। पुलिस प्रशासन ने हालांकि जांच और कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। और होटल से मेरे सहयोगी महिपाल जुड़ गए हैं। महिपाल, ये जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि परिजनों ने शव रखकर थाने का घेराव भी किया है, ये जो मामला सामने आया है, क्या है मामले को लेकर जानकारी? मैम, मामला ये है कि ये जो है 20 वर्षीय युवक था जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और सबको रेल पटरी पर डाल दिया था। और इनकी मांग थी कि हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया अभी तक भी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।